फ्रेंड्स, मेरा नाम है रुद्र और आपका सबका मेरे यूट्यूब चैनल क्रिएटिविटी एंड फन पर स्वागत है। तो जैसे कि मैंने पिछली वीडियो में ग्लू एंड बोरेक्स पाउडर के साथ स्लाइम बनानी सिखाई थी, तो अगर आपने वो नहीं देखी तो उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है। तो मैं फिर से आज के इस वीडियो में स्लाइम लाई हूँ, लेकिन वो ग्लू और बोरेक्स से नहीं बनेगी। तो सबसे पहले हमें एक बाउल और स्पून चाहिए, ये बोरो प्लस, बेकिंग सोडा थोड़ा सा, और ये चारकोल मास्क क्रीम। ये आपको इजीली कहीं से भी मार्केट से मिल जाएगी। तो चलो इसको खोल लेते हैं और निकाल लेते हैं। तो सबसे पहले तो हमने जो हमारा बाउल है उसमें जितनी आपको स्लाइम बनानी है उतने डाल सकते हो क्रीम। मुझे इतनी बनानी है तो मैं इतनी क्रीम डालूंगा। और हाँ, ये बिना ग्लू और बोरेक्स के बनेगी और ये बहुत स्ट्रेचेबल भी होगी। तो नेक्स्ट स्टेप आता है जो हमारा ये बेकिंग सोडा है, इसको थोड़ा थोड़ा लेना है, थोड़ा सा और ले लो। तो अब इसको अच्छी तरह से मिक्स करना है। तो मिक्स करने के बाद ये कुछ ऐसा हो जाएगा। बोरेक्स पाउडर या स्लाइम एक्टिवेटर डालने की बजाय हम यहाँ पे बोरो प्लस डाल रहे हैं। इतनी काफी होगी। तो अब हम इस बोरो प्लस को भी इसमें अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। तो ये बोरो प्लस बोरेक्स और स्लाइम एक्टिवेटर की तरह ही काम कर रही है। ये देखो, इसमें अगर आप कोई कलर ऐड करोगे तो ये ज़्यादातर तो ब्लैक ही रहेगी। ये हम अच्छी तरह से मिक्स करते जा रहे हैं और ये बाउल से खुद ही उतरते जा रही है। तो हम इसको ऐसे ही करते जाएंगे मिक्स। तो ये देखो अब उतर रही है, तो हम इसको अच्छी तरह से उतार लेंगे। सो अब जो हमारा फाइनल रिजल्ट है वो हमारी स्लाइम बनकर तैयार हो गई है। तो आप देख सकते हो ये कितना स्ट्रेचेबल है। तो अगर आपको मेरी स्लाइम वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करें।